Hey guys, good morning. Welcome to a new vlog. I hope कि आप लोग सब अच्छे होंगे. So guys, काफी दिनों बाद मेरी वीडियो आ रही है. Actually यार थोड़ी मेरी हेल्थ ठीक नहीं चल रही थी. ये गला है ना, ये पूरा ऐसे दर्द कर रहा है. मतलब गर्मी से हो गई, कहते हैं ना गर्म. मतलब थोड़ी डाइट भी गर्म चल रही है, बाकी उल्टा सीधा भी मैंने खा लिया था. सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, गाइस टाइटल आपने देख लिया होगा, तो आज आपको पता ही है कि अवन ने की वीडियो होने वाली है. सो टाइम ना वेस्ट करते ज़्यादातर, सो अपना यार उठा लेते हैं. ये फिलहाल मम्मा का फ़ोन मैंने लिया हुआ है, यहाँ से मैं क्वेश्चंस पढ़ता जाऊँगा और आपके आंसर देता जाऊँगा. सो सबसे पहले क्वेश्चन, अच्छा कहाँ से स्टार्ट करें, हाँ यही. सो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं, जो कि उठाया हुआ हमारे JK08 आला गेमर, हमारे रुद्र जी हैं ये, मुझे पता है. सो उन्होंने क्वेश्चन उठाया हुआ है कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है, प्लीज पिक माय क्वेश्चंस. सो रुद्र भाई, हमारी जो मेरी जो इंस्पिरेशन है वो है मेरे बड़े भैया और मेरे पापा. मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम मतलब जब मैं छोटा नहीं, 9th 10th में था, तो कैसे उनके साथ खेतों में काम किया करता था. सो उन्होंने ही मुझे हार्डवर्क करना सिखाया है, बड़े भैया और मेरे पापा, वही मेरी इंस्पिरेशन है. बाकी उसके बाद पूछा है विशाल अत्री जी ने, विशाल अत्री ब्रो मेरे गांव के ही छोटे ब्रदर हैं मेरे. उन्होंने पूछा है मुझे कि आपने कितने तक पढ़ाई की है और अब आगे क्या करना चाहते हो. तो मतलब उन्होंने दो क्वेश्चन पूछे हैं, पहला उनका यही कि आपने कितने तक पढ़ाई की है और आप आगे क्या करना चाहते हो. सो विशाल ब्रो, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है और अब आगे पूछे कि आगे क्या करना चाहते हो. तो फिलहाल जॉब का मैं देख रहा हूँ, कहीं से जॉब भी करना चाहता हूँ मैं साथ साथ में. और हाँ, अपना यूट्यूब अपने साथ ही चलाना चाहता हूँ मैं, कि ये मेरा लाइफ टाइम तक मेरे साथ ही चले, ठीक है. और सेकंड क्वेश्चन का क्या था, ये एक मंथ पहले की क्रोम हिस्ट्री दिखाओ. सो ब्रदर, मैं अपनी क्रोम हिस्ट्री मतलब साथ साथ ही डिलीट करता रहता हूँ, क्लियर करता रहता हूँ. समझ रहे हो आप तो मुश्किल ही होगा दिखाना. सो बाकी उन्होंने बोला है लव यू ब्रदर, लव यू टू ब्रदर. बाकी विनोद शर्मा, ये मेरे बड़े भैया, इन्होंने पूछा कि ड्रीम्स ऑफ इंजीनियर. ये मुझे मतलब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन लगा कि ये क्या है, मतलब ड्रीम्स ऑफ इंजीनियर, एक इंजीनियर का क्या ड्रीम होता है. एक्चुअली जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो इंजीनियरिंग एज ए प्रोफेशन ऐसे लेके चलता था कि ऐसे कैप पहनी हुई है, जैसे टीवी में दिखाते हैं ना कि ऐसे कैप पहनी हुई है उसने और ऐसे ऑर्डर दे रहा है इंजीनियर ये ऑफिस में वो. लेकिन रियलिटी में मुझे बाद में पता चला कि ऐसा नहीं होता है. इंजीनियर की लाइफ काफ़ी स्ट्रगल भरी होती है. जब आप कहीं साइड पे काम कर रहे हो तो वो काफ़ी मतलब मुश्किल रहता है काम आपका, इंजीनियर एज ए इंजीनियर बड़ा कुछ देखना पड़ता है. बाकी जब आप कंपिटेटिव एग्जाम की बात करो तो इंजीनियर हर जगह घुसे ही हुए हैं यार. आपको भी पता है कि अपना प्रोफेशन छोड़ के हर जगह IAS में JKS में जहाँ भी देखो इंजीनियर्स आगे बैठे हुए हैं. उसके बाद है लेकिन ड्रीम की बात करूँ तो एक यही ड्रीम है कि एक अच्छी सी जॉब हो, बाकी अच्छी फैमिली चले और कोई भी लाइफ में क्या बोल सकता हूँ उसके हर्डल्स, कोई लाइफ में कोई परेशानियाँ ना हो, बस एक मस्त लाइफ चले, यही एक इंजीनियर की ड्रीम होता है और क्या है. अब आगे चले तो गाइस आगे पूछा है एलोन के एस गेमी ने कि एम्बैसिंग मोमेंट मेरे साथ हुआ है नहीं, मुझे अभी तक नहीं, मुझे लगता है कि मेरे साथ हुआ कोई शर्मिंदगी भरा पल. इन्होंने पूछा मुझे कि आपके साथ हुआ हो या है कोई, तो अभी नहीं फिलहाल मेरे माइंड में आ रहा है, तो फिलहाल कोई नहीं हुआ है. बाकी पूछा उन्होंने आपका फेवरेट पर्सन, तो मेरा फेवरेट पर्सन हमेशा किचन में ही काम लगा रहता है. सो वो मेरे मम्मी है, मेरे मदर, वही मेरे फेवरेट पर्सन है, वो हमेशा काम में ही लगे रहते हैं. बाकी उसके बाद पूछा है मानिक बालिस पैटन, इन्होंने पूछा मुझे कि आनी चाहिए वीडियो, हाँ जब तूने घर बोला ब्लॉगिंग शुरू करनी है तब उनका क्या रिएक्शन था. तो मानिक वाली ब्रो, उनका रिएक्शन कुछ नहीं था, बस उन्होंने कहा कि हाँ जो तुझे अच्छा लगे, जो तू करना चाहता है वो कर. लेकिन इसके साथ साथ हर एक हमारे मिडिल क्लास की फैमिली, मैं अपनी फैमिली नहीं, हर एक मिडिल क्लास की फैमिली ये सोचती है कि वीडियोस बना के क्या इसकी आगे फ्यूचर चल सकेगा. नहीं, लेकिन मैंने उनको बोला कि कोई बात नहीं, मैं साथ साथ में जॉब का भी देखता रहूँगा, जॉब भी करूँगा साथ में वीडियोज़ भी बनाऊँगा. तो उन्हें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं थी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ब्लॉगिंग करना चाहता है तो कर. और गाइस बाकी आपको क्या बताऊं कि अभी तक मतलब ये इस YouTube को एज ए प्रोफेशन नहीं माना हमारी सोसाइटी ने कि ये भी एक प्रोफेशन हो सकता है ना. अभी फिलहाल मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं, तो गांव में तो ये बिल्कुल नहीं है कि ये भी एक प्रोफेशन हो सकता है, ये बिल्कुल नहीं मानते गांव वाले. सो देखेंगे साथ साथ में, YouTube भी चलाएंगे, जॉब का भी देखूंगा मैं, जॉब भी देखेंगे साथ साथ में.
बाकी उसके बाद पूछा है युवराज ने, युवराज ब्रो इन्होंने कहा है कि ड्रीम कार कौन सी है, प्लीज टेक माय क्वेश्चन। सो मेरी पता नहीं क्यों उस कार से इतना ज़्यादा प्यार है मुझे, मतलब जब मैं छोटा था तब भी देखी, मतलब देखता था वो कार जब रोड पर चलती हुई, तो अभी तक मैंने वो कार कभी चलाई भी नहीं है। सो मेरी ड्रीम कार यही है, महिंद्रा की थार, वो भी ब्लैक एडिशन में, कि काले रंग की थार हो। देखेंगे टाइम आने पर, अगर मैं ले सकूंगा तो वही लेनी है सबसे पहले, मैंने वही वाली कार लेनी है सबसे। और युवराज ब्रो आपकी कौन सी फेवरेट कार है ये आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपकी कौन सी फेवरेट कार है। अन्वेषा शर्मा उन्होंने बोला एनी हॉरर इंसिडेंट टू प्लेस विद यू, कोई डरावना इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ? तो पहला क्वेश्चन आपका ये है, मैं बता दूं तो डरावना भी है और फनी भी है। ये हुआ है मतलब मैं और दीदा खेल रहे थे कहीं, बड़े सिस्टर मेरे, वो हम कहीं खेल रहे थे, तो वहाँ पे वो नहीं होता क्या बोलते हम इंग्लिश में, मुझे नहीं पता उसे क्या कहते हैं, लुक बोलते हैं काली सी जो रोड्स पे पड़ती है, अब इंग्लिश में पता नहीं मुझे क्या कहते हैं उसे। सो एक्चुअली हम खेल रहे थे कहीं, तो वो ना लुक जो होती है वो मेरे बालों में लग गई थी, मतलब सिर को ऐसे। तो दीदी को डर था कि घर पे मम्मी पापा को पता चलेगा तो डांट पड़ेगी, डांट क्या मार भी पड़ेगी। तो दीदा क्या कर रहे थे, उसे निकाल रहे थे, जैसे उसे निकाल रहे थे तो बाल भी आ रहे थे मेरे साथ साथ, तो काफ़ी दर्द हो रहा था। लेकिन दीदा क्या करते थे उस टाइम, मैं छोटा था, दीदी भी छोटे थे, तो छोटे हुए नहीं करते बच्चे ऐसे चुप ऐसे ऐसे मुंह पे ऐसे कर रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे, पता नहीं मुझे याद नहीं है उस टाइम इतना ज़्यादा कि क्या था, बट इतना था कि काफ़ी दर्द हो रही थी। और आज मैं वो जब पल याद करता हूँ तो मुझे काफ़ी हंसी भी आती है, क्योंकि उस टाइम दीदी पता क्या कह रहे थे मुझे कि सामने वो हरा पेड़ है ना उसको देख, तुझे दर्द नहीं होगी उससे देख। तो वो मुझे वो पेड़ दिखा रहे थे और इधर से वो लगे हुए थे उखाड़ने, तो इतना उन्होंने बाल भी उखाड़ दिए थे। तो वही कह सकता हूँ एक हॉरर इंसिडेंट है, तो और फनी भी है काफ़ी, अभी याद करता हूँ तो बड़ी हंसी भी आती है। और सेकेंड आपका क्वेश्चन है कि मेरा बर्थडे गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट आज आपका बर्थडे है मुझे पता है, तो सो हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, आपको मैंने इंस्टा पे विश की है तो यहाँ पे भी कर रहा हूँ हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। और बर्थडे गिफ्ट आपको जल्दी मिलेगा जब आप नानी घर आओगे, तो आपको जल्दी ही बर्थडे गिफ्ट भी दे दूंगा मैं। बाकी टेंथ और ट्वेल्थ की परसेंटेज आपने मुझसे पूछी है, तो टेंथ और ट्वेल्थ की परसेंटेज मैं हमेशा एक एवरेज स्टूडेंट ही रहा हूँ, मेरी टेंथ और ट्वेल्थ की सेम ही परसेंटेज थी, मेरी थी 65%, टेंथ में भी 65 थी और ट्वेल्थ में भी 65 थी, और उसके साथ साथ और एडिशन कर दूँ तो मेरी जो डिग्री है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है तो उसकी भी परसेंटेज 65 ही आई है, मैं कभी ना 65 से ऊपर गया ना कभी नीचे आया। उसके बाद है स्नेहा शर्मा, हेलो भैया वाना मीट यू, सो सिस्टर ऑफ कोर्स जल्दी मिलेंगे हम, बजरंगबली ने चाहा तो ज़रूर मिलेंगे हम, जल्दी ही मिलेंगे। उसके बाद है लाइफ ऑफ मनीष ब्रो, यूट्यूब से हटकर आप क्या काम करते हो? लाइफ ऑफ मनीष ब्रो अभी तो फिलहाल मैं यूट्यूब पे ही वीडियोस बना रहा हूँ, साथ साथ में जॉब का भी देख रहा हूँ, आगे पीछे जॉब का भी देख रहा हूँ, उससे हटकर और क्या काम बता दूँ, तो घर के भी काम कर लेता हूँ कभी कभार, जब भाभी घर पे नहीं होते हैं, मम्मा थोड़े थके होते हैं तो झाड़ू पोछा भी लगा लेता हूँ, और साथ में बाकी हमारी एक दुकान है, दुकान का भी कभी कभार काम देख लेता हूँ, बाकी ज़्यादा नहीं देख पाता हूँ दुकान का काम, बाकी फिलहाल यूट्यूब पे वीडियोस और बाकी थोड़ा बहुत घर का हेल्प करवा देता हूँ मम्मी और मम्मा की, और बस इतना ही, बाकी जॉब का देख रहा हूँ मैं। सो आज के बस क्वेश्चन जितने भी थे बस इतने थे, आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म, क्योंकि थोड़ी हेल्थ भी मेरी ठीक नहीं है। सो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, मैं आपको जब बता दूँ तो आने वाला एक ब्लॉग बहुत ही अच्छा जल्दी आने वाला है, शादी भी आने वाली है, क्या पता उसका ब्लॉग निकल जाए, सो देखूंगा कोशिश करूंगा एक अच्छा सा अच्छा ब्लॉग लेके आऊँ आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में। सो आप भी बस हेल्प करो कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, मैंने आपको बताया ना कि कैसे शेयर करनी थी पिछले ब्लॉग में बताया था मैंने, सो बस शेयर करो क्या, क्योंकि क्या पता और लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे। सो आज के ब्लॉग को कहते हैं यहीं पर ख़त्म, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बाकी मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।